हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मखी, जय माँ अंधवासिनी। देखिए, जैसे कि नवरात्रि शुरू हो रही है 17 तारीख से, कल है अमावस्या, तो कल हम इधर दुश्मनों के नाम से हवन करने जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है मालूम है, बहुत से लोग पीछे पड़े हैं, बाज नहीं आ रहे अपनी बातों से। बहुत से लोग तो सोचते हैं कि इनको इरेटेड करो, ये करो, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो अब जरा इनकी जवानबंदी के लिए हवन करना ज़रूरी है। और मैं एक्चुअली सच्ची बोलूँ, कल मैं हवन उन लोगों के लिए कर रही हूँ, मुझे एक्चुअली पता चला है। मैं आप लोगों से बात शेयर कर रही हूँ कि जैसे मीरा दातार, रे रोड, ये सब जगह पे मैं गरीबों को खाना खिलाती थी। अभी फिलहाल मैंने बंद किया है, क्योंकि 8वां महीना शुरू है। जब से मैं नहीं जा रही हूँ तब से मैंने वहाँ बंद किया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन जब तक वहाँ चालू था, मुझे पता चला है कि मैंने बाबा जी को जो चादर भी चढ़ाई है ना, तो कुछ इधर के अपने ही लोगों ने, कुछ अपने लोगों ने मेरी पीठ पीछे वहाँ पे कमीशन खाने की हरकत की है। कमीशन मतलब जो गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है, तो समझो जो बंदे ने ये हरकत की उसकी तो बहुत बड़ी, उसको मतलब दातार बाबू उसको जो सजा देंगे तो ऊपर वाला ही समझ सकता है। उसने वहाँ कमीशन खाने की ज़रूरत की है। आप बताओ, मुझे आज बकायदा एक आदमी ने फ़ोन करके बताया कि माँ, आपको वहाँ पे आप जो भी चादर चढ़ाने का, जो भी मुजावर लोगों के लिए पैसे देते थे कि भाई चादर चढ़वा दो, गरीबों को खाना खिला दो, उसके पीछे डेली के वहाँ पे आपका ही कोई बंदा वहाँ पे डेली बोलो कमीशन ले रहा था। ये सोच के मुझे बुरा लगा कि बताओ, इतना इंसान का हाथ पैर टूट गया कि कमीशन खाने की ज़रूरत हो गई। मेरे दिल में बहुत तकलीफ हुई थी, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान को तो छोड़ो यार, गरीबों को तो छोड़ो। इसलिए अभी मैंने थोड़ा दिन बंद ही किया। मैंने क्या कहा, जिस दिन मेरा केशव होगा ना, केशव आने के बाद हम उस गरीब को मदद करेंगे। जैसे किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही उसमें, किसी के लड़कियां पढ़ नहीं रही है उसमें, किसी को घर नहीं है उसमें थोड़ी मदद करेंगे, काम धाम चालू करवा के देंगे, कुछ ना कुछ ऐसे जो मेरी यथाशक्ति होगी मैं सबको मदद करूंगी। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं अपने वादे से कभी नहीं डिगूंगी। क्योंकि मैंने हमेशा भगवान को कहा है, तू देने वाला हाथ रख और मुझे बांटने वाला हाथ बना, और मैं बनाऊंगी, मुझे करना है। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि मैं कुछ गलत लोग मेरे साथ रह के बताओ गरीबों का हक खाते हैं, कहाँ भुगतेंगे, कहाँ जाएंगे। बहुत गलत बात है ये, कमीशन करना अच्छी बात नहीं है। उनका मैं तो बोलती हूँ, उनका कहना है ये सब चलेगा भी नहीं ज़्यादा दिन तक, ये सब चलने वाला भी नहीं है। जो हराम का खाते हैं उनके हराम की कमाई जल्दी ख़त्म होती है, समझे। हमारा एक ही फंडा है, हमको अपना काम करना है। देखो, मैं आप लोगों से काम के पैसे लेती हूँ, काम करती हूँ, मैं पूरा ईमानदारी से काम में डालती हूँ। हम अपना 100% देते हैं। वो आपका नसीब अगर इतना ख़राब है कि हमारे 100% देने के बाद भी आपका काम नहीं होता है, तो भी हम उसका पैसा भले थोड़ा लेट हो जाएगा, हम रिटर्न कर देते। क्योंकि देखो, मैं बहस नहीं करती हूँ कि मुझे नहीं देने, वो दे के हटा देते हैं। ये भी बोला है कि अगर कोई गलत बोलेगा तो अलग। अभी कितने लोग होते हैं ना कि क्या करके दिखाएंगे, गलत बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, मेरे को उस सबका चीज़ का टेंशन नहीं है। दूसरी बात, इन सबके लिए खास करके कल हवन रखना है, क्योंकि ऐसे लोगों को जो जिन्होंने गरीबों के खाने में से कमीशन खाया है, उसको उसी गरीबों के लाइन में बिठाना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो ये हवन होगा, जिसको भी इस हवन में भाग लेना होगा कल बताइए। और दूसरी बात, मैं अभी पूजा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरा 8वां महीना जस्ट ख़त्म होने वाला है, 9वां महीना लगने वाला है। तो क्या है, कभी भी डिलीवरी पॉसिबल है ना, मतलब कभी भी कुछ हो सकता है। तो अभी तो मैंने पहले ही कहा है कि इस बार मैं अभी काम नहीं ले रही हूँ, मैं नवरात्रों में भी कोई काम नहीं ले रही हूँ। अब डायरेक्ट जो भी पूजा के काम होंगे होली में होंगे, सिद्धि विद्धि के जो भी। तो अभी यही कहना है कि जो भी आपको है, अपना माता जी के हवन में भाग लीजिए। और कल अमावस्या है बहुत बड़ी, आपको अगर अपने दुश्मन के वो बराबर करना है तो कुछ मत कीजिए। बिबुआ होता है, वो बिबुआ पे 3 बार दुश्मन का नाम लेके, एक बिबुआ 3 दुश्मन का खात्मा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो बिबुआ पे 3 बार नाम लेके, तीनों का नाम लेके विश करके किसी भी कांटे वाले पेड़ पे मोची खिल्ली से ठोक दीजिए। और दूसरा, कल के दिन अपने घर से नारियल 5 लौंग और 5 इलायची, नारियल 5 लौंग 5 इलायची, 1 बिबुआ और 1 कपूर, ये 4-5 चीज़ें उतार के 4 रास्ते पे जाके उसे छोड़ के आ जाइए। लेकिन कोने में छोड़िएगा, बीच रोड पे मत डालिए, आपकी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इतना काम कीजिए, देखिए दुश्मन का स्वागत और माता रानी का स्वागत कीजिए। माता रानी का 17 तारीख को स्वागत कीजिए। हमारे यहाँ भी माता रानी आ रही हैं, और माता रानी का 9 दिन धूमधाम से पूजा पाठ कीजिए। मैं तो सिर्फ इस बार पूजा पाठ कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस हालत में नहीं हूँ कि पूजा पे सबका काम लेके बैठ सकूँ। अभी मैं आप लोगों को खुशी देने के लिए तैयारी कर रही हूँ, कभी भी खुशखबरी आ सकती है ना ऐसा। तो इस बार तो मैं भी किसी की पूजा नहीं ले रही, बस ये तरीका मैंने पहले ही बोला, मैं रह रहे के छोटे मोटे तरीके बताऊंगी। मैं नवरात्रों में भी आपको रोज़ एक माता जी की वीडियो के साथ रोज़ एक माता जी का तरीका बताऊंगी। अभी मंत्र कीजिए, रोज़ आपका अच्छा होगा। तो आप अच्छे से वो कीजिए, जिसको भी कहते ना ये शत्रुनाश,
शत्रु नाश के लिए हवन है अमावस्या का, क्योंकि कल बहुत बड़ी अमावस्या है। इस अमावस्या में तो मुझे धूल चटानी है, तो जिसको भी इसमें भाग लेना होगा तो लीजिए, नहीं लेना होगा तो बल्कि अपना वो जो मैंने बताया बिबवा का तरीका और ये नारियल का तरीका कर लीजिए। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि को माता रानी को लाइए, बोलिए गणपति बप्पा तो आके आधा बीमारी लेके जा ही चुके हैं, माता जी आके पूरी लेके चले जाए। इस बार आपकी सबकी दिवाली शुभ हो। तो जय माँ बगलामुखी, जय माँ विवासी। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता।